अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी जो है ना, मैंने नेस्टिंग दी है, नई नेस्टिंग मैंने अभी अभी जो है वो डफ को लगाई है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये वाली टोकरी के अंदर जो है ना, मैंने आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी दिखा दी थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, आज मैंने इसकी नेस्टिंग लगाई, इधर भी लगा दी है, ठीक है, नहीं दी है, इधर भी घास नहीं दी है, और इन दोनों में भी जो है ना वो मैंने नई नेस्टिंग दी है। तो वजह इसकी ये है कि मैंने जब मैंने इनका पेयर बनाया था, जब टोकरियाँ लगाई थी, तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए, तो उस वक्त भी मैंने नई नेस्टिंग दी थी, लेकिन चूँकि उस वक्त इन्होंने ब्रीड वगैरह करनी ही नहीं थी, क्योंकि जगह चेंज हुई थी और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी का था, तो नेस्टिंग जो है ना सारी सूख के ख़राब हो गई थी और खाली जो है ना बीट वगैरह इस टोकरियों के अंदर भर गई थी। तो अभी अभी जो है मैंने सारी बीट वगैरह साफ़ करी है और नई नेस्टिंग दी है, और जिसके अंदर अंडे थे उन अंडों को जो है ना नेस्टिंग के ऊपर रख दिया। जैसे कि ये वाले 2 अंडे हो गए, इसके 2 अंडे हो गए, सही है। ये वाले पेड़ ने जो है अभी ब्रीड नहीं करी है, लेकिन इसकी नेस्टिंग जो है ना अभी सही है, तो इसको मैंने अभी नहीं दी है। और बाकी इसका जो बच्चा था, इसकी भी नेस्टिंग सही थी। इन दोनों में जो है ना, इस वाले में 2 अंडे आ गए, इसको मैंने नेस्टिंग दे दिया, और ये वाली जो है मादी बहुत जल्द इंशाल्लाह ब्रीड कर देगी। अभी अभी ये टोकरी में बैठी हुई थी, लेकिन मैं नेस्टिंग के लिए इसको हटाया ना, तो ये निकल गई, लेकिन अभी तक इसमें अंडा नहीं आया, इंशाल्लाह अंडा आ जाएगा। और बाकी जो है ना, ये देख सकते हैं आप, इनकी जो बीट वगैरह थी ना टोकरी की, वो सारी यहाँ पे मैं निकाल दी, मैं इसकी सफाई कर दूँगा, सही है दोस्तों। और बाकी जो है, ये मुर्गी ने आज भी 1 अंडा दे दिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसने जो है 1 अंडे देना शुरू कर दिए मुर्गियों ने, तो इसको भी मैं अभी नीचे ले जाऊँगा। और मुर्गियाँ जो है वो दोनों मैंने बाहर निकाल दिया, मुर्गा ही बाहर निकाल दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, तीनों जो है वो इधर हैं, और मुर्गी भी माशाल्लाह से जो है ना अब अंडे देना शुरू कर दिए मुर्गी ने। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है ना छत की सफाई भी करी है कल, शायद आपको थोड़ा बहुत साफ़ नज़र आ रहा हो। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े सूख रहे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आपको नज़र आती होगी, शायद मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा हो। तो अभी जो है ना, कल मैंने पूरी सफाई करी है और इन सारे जो है ना मिट्टी को छान वान के साफ़ सुथरी करके वापस मैंने गमलों के अंदर डाल दिया। और एक और चीज़ मैंने करी है कि ये जालियाँ मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी, तो मैंने ये जो है ना मिट्टी के ऊपर इन जालियों को रख दिया, क्योंकि मुर्गे ने ना काफ़ी तंग किया हुआ था। मैं जब भी सफाई करता था, तो अगले दिन जाकर जब मैं इसको बाहर निकालता था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के ना ये इसी के ऊपर आके बैठता था और सारी जो मिट्टी इसमें से निकाल देता था। इसी तरीके से मैंने इसमें भी यही किया है। और कुछ जो है ये मैंने कुछ लकड़ी का कुछ रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कवर हो गया है। और इधर भी मैंने कुछ ये रख दिया, इधर मैंने टाइल रख दिया है। तो ये जो है ना गमलों को मैंने थोड़ा सेट कर दिया। और बाकी जो है ये कि ये ड्रम को भी मैंने भरना है, 1-2 दिन में जो है ना ये ड्रम को मैंने भरना है, क्योंकि ये ड्रम, जैसे कि मैंने आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता हो, ये ड्रम जो है ना मैं यूज़ करता था जब गर्मियाँ होती थी, तो इसी में मैं सारा पानी जो स्टोर कर लेता था एक दफ़ा, तो ये, और ये तकरीबन जो है ना 15 से 20 दिन नहीं बल्कि 1 महीना मेरा चल जाता था ये, क्योंकि यहीं से मैं निकाल के जो है अपने तोतों को देता था। लेकिन चूँकि सर्दियाँ आ गई थी और ये ड्रम जो है बिल्कुल छत पर पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका पानी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता था, तो पूरी सर्दी जो है वो मैंने इस ड्रम को यूज़ नहीं किया। अब चूँकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं तकरीबन, और गर्मियाँ आने स्टार्ट हो गई हैं, तो इस ड्रम को जो है ना वो मैंने भरना है, और फिर यहाँ से इसको दोबारा से यूज़ करना शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना मुझे आसानी हो जाती। ये जो डब्बा देख रहे ना, इसी से मैं भरता था और यहाँ से मैं अंदर ले जाता था, वहाँ से उनके जो प्यालों में छोटे छोटे बर्तन में उसी में से निकाल के मैं दे देता था, सही है दोस्तों। तो बस यही दोस्तों, कुछ खास नहीं था इस वीडियो में, मैंने सोचा ऐसी कुछ बना लेता हूँ। मैं अभी नेस्टिंग दे रहा था इनको, तो मेरे दिमाग में आया मैं वीडियो बना के भी शेयर कर देता हूँ, तो मैंने वो भी बता दिया आपको। और इसके अलावा मैंने सफाई करी थी कल, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, और छोटी मोटी बातें कुछ कर ली हैं, सही है दोस्तों। तो इंशाल्लाह बस यही सब चल रहा है मेरे सेटअप पे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।